गाइस गाइस तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी फॉर्चुनर लेजेंडर नहीं ऑल इंडियंस कार्स के साथ हमारे मतलब दो ट्रक को टॉर्च। तो देखते हैं हमारी कौन कौन इंडियंस कार इसे टो कर पाती है और देखते हैं हमारा कौन कौन ये इंडियंस कार हमारा ये चैलेंज नहीं कर पाती है। और मैं इसे मतलब दो झटके का वो दूंगा चांस कोई भी इंडियन कार्स को, मतलब कि पीछे से दो बार ही लाऊंगा। और ये है हमारा फिनिश पॉइंट, आप लोग देख ही सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखते हैं हमारी कौन सी इंडियन कार कैसी परफॉर्मेंस करेगी। और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे पहले इंडियन कार में जो है हमारी फॉर्चूनर लेजेंडर 4x4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं पूरी एकदम रेडी हो चुका हूँ और इसे अब पूरा एकदम एक्सेलरेटर देने वाला हूँ और देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस कर पाती है। और इसे मतलब और यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूँ तो पहला चांस इसे देता हूँ पीछे से लाने का। और ये देख सकते हो ये टो भी नहीं कर पा रही है और इसे रियल लाइफ से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। और पारी है इसकी दूसरी चांस की, तो देखते हैं हमारी दूसरी चांस में ये कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं हमारी चैलेंज को। और ये देख सकते हो ये हमारा चैलेंज नहीं कर पाती है क्योंकि मैं हर एक इंडियन कार को दो ही चांस दूंगा और ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो इसे मैं इस साइड ही पार्क कर देता हूँ। और ये फॉर्चूनर लेजेंडर 4x4 थी लेकिन पता नहीं क्यों इसका फ्रंट टायर स्किड नहीं कर रहा था। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट कार कैसी परफॉर्मेंस करती है जो हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक तो हमारे ट्रैक्टर को बहुत ही आगे तक टो कर ली है। तो इसे पहला चांस देता हूँ पीछे से लाने का, तो देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये देख सकते हो पहले चांस में ही अपने ये लाइन को क्रॉस कर चुकी है और ये हमारा तो ऑलरेडी चैलेंज कर लेती है। तो मैं इसे दूसरा भी चांस दे देता हूँ और ये दूसरे चांस में भी हमारा चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसे साइड में पार्क कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी विनर कार है और हमारी फॉर्चूनर लेजेंडर नहीं विन कर पाई थी तो बहुत बुरा लगा। लेकिन इसका भी फ्रंट टायर ही घूम रहा था जबकि ये हमारी स्कॉर्पियो रियल व्हील ड्राइव आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन गेम कुछ भी हो सकता है और इसे रियल लाइफ से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा रहेगा गाइस। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट कार कैसी परफॉर्मेंस करेगी और वो है हमारी किया सेल्टोस। तो देखते हैं किया सेल्टोस कैसी परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी टायर स्किड कर रहा है और ये हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव कार है तो मेरे को तो इससे उम्मीद भी कम है क्योंकि ये रफ़ एंड टफ गाड़ी नहीं है और इसमें उतना पावर भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे भी मैं दो चांस दे चुका हूँ और ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो मैं इसे भी हटा देता हूँ और हमारे फॉर्चूनर लेजेंडर के साइड में ही पार्क कर देता हूँ। तो इसे भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट कार कैसी परफॉर्मेंस करती है और वो है हमारी XUV500। तो देखते हैं XUV500 कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं एक्सलरेट किया था लेकिन इसका टायर भी स्किड नहीं किया और यहाँ इसे भी एक चांस दे चुका हूँ। तो आप बढ़ते हैं इसका दूसरे चांस में, देखते ही हमारा चैलेंज कर पाते कि नहीं। और ये देख सकते हो ये दूसरा चांस और ये भी हमारा चैलेंज नहीं कर पाई है। तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, अभी तक चार कार में सिर्फ एक ही कार हमारा चैलेंज कर पाई है। तो इसे भी मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में जो होगी हमारी फॉर्चूनर ओल्ड वाली, सबसे ओल्ड वाली। और ये हमारे पास भी 4x4 है और इसका देख सकते हैं चारों टायर स्किड कर रहा है। मेरे को लग रहा है ये हमारा चैलेंज कर लेगी और ये इसे देता हूँ मैं पहला चांस। तो देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस करती और इन गेम ये बहुत ही पावरफुल कार है। और यहाँ पे देख सकते हो ये तो थोड़ी सी बची और इसका अब दूसरा चांस भी बचा ही हुआ है। तो एक बार दूसरा चांस भी इसे मैं दे दूँगा और ये देख सकते हो दूसरा चांस मैं दे चुका हूँ और देख सकते हो ये हमारा चैलेंज कर चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे फिनिश पॉइंट को क्रॉस भी कर चुकी है। तो मैं इसे पार्क कर देता हूँ हमारे विनर साइड में हमारे स्कॉर्पियो क्लासिक के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो काला घोड़ा तो हमारा कर ही लिया था और ये देख सकते हो दूसरा काला घोड़ा भी कर ही लिया। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में जो होगी हमारी ह्युंडई की वरना। तो देख सकते हो ह्युंडई की वरना तो हमारी ट्रैक्टर को टो भी कर ली और यहाँ पे देख सकते हो अरे गाइस मतलब कुछ भी यार, पहले चांस में तो ये हमारा चैलेंज मेरे को लग रहा था कर लेगी लेकिन अभी इसका दूसरा चांस बाकी है
और ये देख सकते हो बड़ी से बड़ी कार हमारा चैलेंज नहीं कर पाई, फॉर्चूनर लेजेंडर XUV 500, लेकिन हमारी सडान होंडा ये हुंडई वरना कर ली। तो आप लोग भी सोच सकते हो इन गेम कुछ भी हो सकता है। तो आप बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट कार कौन सी होती है और वो कैसी परफॉर्मेंस करेगी। तो मैं अपनी वरना को इधर विनर साइड में ही पार्क कर दिया हूँ। तो आप आ रही हमारी ये क्या बोलते हैं एंडेवर की, तो देखते हैं एंडेवर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। और इसके टायर बहुत स्कीड करता है इन गेम, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम इसे पावर दिया हूँ, और ये भी 4x4 है देख सकते हो, आगे वाला भी टायर स्कीड कर रहा है एकदम धीरे धीरे। तो मैं एक बार इसे पीछे से चांस देता हूँ, और ये देख सकते हो पीछे से चांस दिया, और ये देख सकते हो हमारी एंडेवर तक हमारा चैलेंज नहीं कर पा रही है यार। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला चांस तो दे दिया हूँ, आप आ रही है दूसरा चांस में, तो देखते हैं दूसरे चांस में ये कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये देख सकते हो दूसरे चांस मैंने दिए, अरे गाइस ये भी हमारा चैलेंज नहीं कर पा रही है यार, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं इसे पार्क कर देता हूँ। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।